नमस्कार, पत्रिका न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लुटेरों की गैंग के टारगेट पर थे बड़े व्यापारी, वारदात से पहले 6 पकड़े। अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास के द्विवार्षिक चुनाव संपन्न। पहले दिन राजधानी आई 6 मिनट लेट, केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। दिल को छू गया बंदूक की नाल से निकला संगीत। ट्रेन से कटकर जान देने पहुंचे माँ बेटे को लोगों ने बचाया। अब खबरें विस्तार से। दलित परिवार को करना पड़ा घर से बाहर, मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार। गांव के दबंगों का है मुक्ति धाम पर कब्जा। भिंड के गोहत क्षेत्र की ग्राम पंचायत चंदोखर के मजरा लोहरी का पुरा में रविवार को दलित की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार गांव के मुक्ति धाम पर दबंगों द्वारा नहीं करने देने पर परिजनों ने घर के सामने चिता को अग्नि दी। मामले की जानकारी लगने पर पुलिस व राजस्व विभाग मौके पर पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक लोहरी का पुरा में लाल सिंह के पिता कप्तान जमादार का निधन हो गया। इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार करने मुक्ति धाम पहुंचे तो दबंगों ने अंतिम संस्कार करने से उन्हें रोक दिया। इसके बाद मृतक के परिजनों ने घर के बाहर दरवाजे पर अंतिम संस्कार कर दिया। मृतक के पुत्र लाल सिंह द्वारा तत्संबंध में कुछ लोगों के नाम लेते हुए बताया गया कि जब वह अपने पिता का शव लेकर मुक्ति धाम के लिए चिन्हित जगह पर पहुंचा तो उसे रोक दिया गया। परिजनों ने कहा कि मृतक का शव अधिक समय तक रखा नहीं जा सकता था, इसलिए घर के दरवाजे पर चिता सजाई और मुखाग्नि दे दी। जीवाजी यूनिवर्सिटी में छात्र सहायता केंद्र पर मार्कशीट के लिए जमा होने वाले टोकन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जीवाजी यूनिवर्सिटी में छात्र सहायता केंद्र पर मार्कशीट के लिए जमा होने वाले टोकन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां छात्र यूजी पीजी सहित मेडिकल कोर्स की परीक्षाओं में पास होने के बाद मार्कशीट न मिलने पर आवेदन तो करते हैं, लेकिन मेडिकल कोर्स की मार्कशीट उनको छात्र सहायता केंद्र की जगह सीधे मेडिकल शाखा के कर्मचारियों द्वारा सुविधा शुल्क लेकर उपलब्ध कराई जा रही है। शिकायत छात्र सहायता केंद्र के कर्मचारियों ने अधिकारियों को दर्ज करा दी है। सुनवाई न होने से इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सूत्रों की माने तो छात्र को छात्र सहायता केंद्र से बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ पीजी कोर्स, एमए, एमएससी, एमकॉम के साथ अन्य प्रोफेशनल कोर्सों की मार्कशीट की मार्कशीट टोकन जमा करने के बाद सहायता केंद्र से मिल जाती है, लेकिन मेडिकल कोर्सों की मार्कशीट सीधे मेडिकल शाखा व करेक्शन सेल में मिल जाती है। छात्र सहायता केंद्र में मार्कशीट लेने के लिए दिए गए आवेदन की एंट्री तो है, लेकिन मार्कशीट देने की एंट्री नहीं है, क्योंकि ये मार्कशीट छात्र सहायता केंद्र में नहीं आती है। ग्राहक बनकर मोबाइल खरीदने पहुंचा चोर, दुकानदार की नजरें ओझल होते ही काउंटर से मोबाइल चुरा कर भाग गया। हालांकि दुकानदार उसके पीछे दौड़ा, लेकिन चोर साइकिल पर सवार होकर रफू चक्कर हो गया, लेकिन चोर की करतूत दुकान के बाहर और अंदर लगे सीसी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार ने पड़ाव थाने में शिकायत कर दी है। पुलिस के मुताबिक सिंहपुर रोड मुरार निवासी शिवम नरवरिया खेड़ापति रोड स्थित S2S मोबाइल की दुकान पर काम करता है। उसने बताया कि 17 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे एक युवक मोबाइल खरीदने दुकान पर आया। उसने 1500 रुपये तक का मोबाइल दिखाने को कहा। शिवम ने उसे कई मोबाइल दिखाए, लेकिन उसे पसंद नहीं आया। बोला, बड़ा भाई आ रहा है, वह पसंद करेगा, अभी मोबाइल रख लो। उसकी तरफ पीट करके शिवम अलमारी में मोबाइल जमाने लगा। तभी चोर ने काउंटर से मोबाइल चुराया और दुकान से निकल गया, लेकिन उसकी हरकतों को एक छोटे लड़के ने देख लिया और उसने तुरंत शिवम को बताया। शिवम दौड़ के दुकान के बाहर निकला, लेकिन तब तक चोर रफू चक्कर हो चुका था। 3 जिलों की पुलिस की नाक में दमकर हाईवे पर लूट करने वाले बदमाशों की गैंग के सदस्यों को एसटीएफ और पुलिस ने मिलकर दबोच लिया। गैंग का मास्टरमाइंड सहित 4 लुटेरे अभी भी फरार हैं। पुलिस का दावा है कि गैंग मोहनपुर बड़ागांव हाईवे पर वारदात करने इकट्ठी हुई थी, तभी उन्हें गिरफ्तार किया। बदमाशों से लूटी गई बंदूक, 2 बाइक मिली हैं। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल 2 कट्टे कारतूस और लाठी बरामद हुई है। गैंग किसी बड़े व्यापारी को टारगेट करने की तैयारी में था, उससे मोटी रकम वसूल कर कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर चले जाते, इसलिए लूट कर हथियार और वाहन इकट्ठे कर रहे थे। SP डॉक्टर आशीष ने बताया कि गैंग के राहुल गुर्जर
खुलई गुर्जर, सुजान गुर्जर, राधे तोमर, विवेक शर्मा, उमेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इनसे भिंड, मुरैना और ग्वालियर की 8 लूट की वारदातें खुली हैं। गैंग 10 लोगों की है। अभी मास्टरमाइंड पारसेन निवासी उदयवीर सिंह गुर्जर, सरसपुरा निवासी सतीश गुर्जर, राजवीर गुर्जर निवासी पारसेन को, पारसेन और सरसपुरा निवासी बलवीर गुर्जर हाथ नहीं आए हैं। इनके पास 315 बोर की लूटी हुई बंदूक है। इन पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास के द्विवर्षीय वार्षिक चुनाव के लिए रविवार को एमएलबी कॉलेज में मतदान संपन्न हुआ। कार्यकारी न्यासी नरेंद्र सिंघल, अध्यक्ष हरिदास अग्रवाल, उपाध्यक्ष विजय कब्जू, सचिव भुवनेश्वर वाजपेयी, कोषाध्यक्ष रामनाथ अग्रवाल, सूचना सचिव वैभव सिंघल और मार्गदर्शक व्यवस्थापक सचिव पद पर षष्ठी शिवहरे चुनाव जीते हैं। उप व्यवस्थापक सचिव पद पर सिंघल उम्मीदवार विष्णु सिंघल निर्विरोध चुने गए हैं। चुनाव में 2577 मतदाताओं ने मतदान किया। पुलिस सुरक्षा के बीच चुनाव में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। इसमें पदाधिकारियों के 7 पदों के लिए और 20 और कार्यकारिणी के 10 पदों के लिए 23 प्रत्याशी मैदान में थे। संजय द्विवेदी, राजू शर्मा, अनिल शर्मा, महेश गोयल और जितेन शर्मा के पैनल ने इस चुनाव को संपन्न कराया है। मतदान कराने के लिए एमएलबी कॉलेज में 80 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। इन पोलिंग बूथ पर मतदाताओं ने वोट डाले। बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ बनाए जाने से कतार लगने की नौबत नहीं आई। वहीं शाम को 70 एजेंटों ने मतगणना पूरी कराई। दिल्ली बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस को रविवार की देर रात को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन का ग्वालियर आने का समय 12:02 था, लेकिन ट्रेन 6 मिनट लेट आई। 12:08 पर ग्वालियर आई। 12:13 पर केंद्रीय मंत्री ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, लेकिन जैसे ही ट्रेन चली तो 12:14 पर किसी ने चैन पुलिंग कर दी। इसके बाद ट्रेन 12:16 पर रवाना हो सकी। इसको देखते हुए झांसी मंडल के DRM AK मिश्रा सहित कई रेलवे के अधिकारी उपस्थित थे। वहीं RPF के कमांडेंट आशीष मिश्रा भी यहां आए थे। बेंगलुरु से दिल्ली जाते समय ट्रेन रात 12:51 पर झांसी, रात 1:55 पर ग्वालियर रुकने के बाद सुबह 3:28 पर आगरा पहुंचेगी। तानसेन समारोह के तीसरे दिन एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें बंदूक की नाल से निकली हुई ध्वनि से सभी का मन मोह लिया। विश्व संगीत समागम का रूप ले चुके तानसेन समारोह की चौथी सभा में रशिया के बांसुरी वादक मिखेल युसेनिन ने का बांसुरी वादन एवं दिनेवो रिंता का पियानो वादन लोगों को जहां प्रकृति के करीब ले गया, वहीं ग्वालियर राजघराने के युवा सरोद वादक आमिर खान ने अपने सुमधुर और तैयारी से भरे वादन से सभा को ऊंचाइयां प्रदान की। उनके वादन में ऐसा लग रहा था जैसे सरोद और श्रोता संगीत में घुल मिल गए हों। रात्रिकालीन 5वीं सभा में 100 वर्ष पूर्ण करने जा रहे मैहर के वाद्य वृंद ने ऐसा समा बांधा कि श्रोता झूम उठे। वहीं सभा का आकर्षण मैहर का वाद्य वृंद रहा। जिस बंदूक की नाल से गोली निकलती है, उस नाल से तैयार नल तरंग से निकले स्वर दिल को छू रहे थे।
वार्ड नंबर 23 चतुर्वेदी नगर स्थित जंतु बाबा की बगिया पर नगर पालिका भिंड द्वारा चुने गए 7 ब्रांड एम्बेसडर का स्वच्छता मिशन के द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिलाधीश इलैया राजा टी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में इलैया राजा के अलावा चिकित्सा क्षेत्र के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर शैलेंद्र सिंह परियार व वार्ड के पार्षद योगेश सिंह कुशवाहा उर्फ लला मंचा सिंह रहे। शैक्षिक व सामाजिक क्षेत्र में राजेश शर्मा, व्यापार के क्षेत्र में ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी, चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर शैलेंद्र परिहार, खेलों के क्षेत्र से राधे गोपाल यादव, समाज सेवा क्षेत्र से बबलू सिंधी का मिशन, स्वच्छ के पीआईयू सदस्य संदीप सिंह कुशवाहा, एसआरएल के द्वारा शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। नगर पालिका के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी सैनिटरी इंस्पेक्टर रविंद्र पाल सिंह भलोरिया व स्वच्छता निरीक्षक नरेंद्र गुप्ता एवं विगत 2 वर्षों से जिले में कई बड़े विकास कार्य कराने वाले कलेक्टर इलैया राजा टी को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कलेक्टर इलैया राजा ने कार्यक्रम में कहा कि भिंड को स्वच्छ बनाने में हम सब प्राण प्रण से जुड़े हैं और आने वाले समय में भिंड को इंदौर जैसा स्वच्छ बनाने का संकल्प लें। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपने घरों में सेप्टिक टैंक सहित शौचालय आवश्यक रूप से बनवाएं, शौचालयों की गंदगी नालियों में न बहाएं। यही गंदगी नालों से होकर नदियों तक पहुंचती है जिसका बड़ी तादाद में लोग पेयजल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कार्यक्रम का संचालन गणेश भारद्वाज ने किया। उत्तर प्रदेश की सीमा पर फूक में स्थापित की गई वन चौकी लकड़ी का अवैध परिवहन रोकने में असफल साबित हो रही है। प्रतिमाह सैकड़ों की संख्या में वाहन लकड़ी लेकर चौकी के सामने से गुजर रहे हैं। दिगर प्रदेशों से आने वाले वाहनों की टीपी यानी ट्रांजिट पास न काटे जाने से शासन को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। वन चौकी के रिकॉर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश की ओर से आने वाले वाहनों की 6 माह में 50 टीपी काटी गई हैं, जबकि इस दौरान सागौन व अन्य कमर्शियल लकड़ी लेकर 5 सैकड़ा से अधिक वाहन
प्रदेश की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। आवागमन करने वाले वाहनों का लेखा जोखा न होने से बड़े पैमाने पर होने वाली गड़बड़ी से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश की ओर से आने वाले वाहनों से 400 रुपए की टीपी काटने का प्रावधान है, लेकिन वन कर्मी सुविधा शुल्क लेकर वाहनों को जाने देते हैं। टीपी काटते भी हैं तो 200-300 रुपए अतिरिक्त वसूल किए जाते हैं। वाहनों को रोकने के लिए बैरियर भी बनाया गया है और आधा दर्जन कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है, लेकिन एक या दो कर्मचारी ही उपस्थित रहते हैं। वाहनों को रोकने के लिए बनाए गए बैरियर की रस्सी सालों से नहीं खींची गई। वन चौकी द्वारा अवैध परिवहन कर निगरानी न रखे जाने से क्षेत्र में लकड़ी माफिया की गतिविधियां चरम पर पहुंच गई हैं। करंट से हाथ गंवाने के बाद बेटे के बेरोजगार होने से परेशान परिवार रविवार को आत्महत्या करने रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। मुरैना रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों की समय रहते नजर पड़ गई, जिससे माँ बेटे को समझाकर पटरी से हटाया। घटना रविवार को सुबह 8:30 बजे की है। 5 साल से बेरोजगार हुए बेटे को दुकान मालिक और प्रशासन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलने से परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। सोनू खान उम्र 20 वर्ष पुत्र बशीर खान निवासी कब्रिस्तान के पास स्टेशन रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर सफाई का कार्य करता है। वर्ष 2012 में एक दिन दुकानदार ने महामाया मंदिर के पास बिजली के खंभे पर होर्डिंग्स लगाने सोनू को भेजा था। उस दौरान करंट की चपेट में आने से सोनू का एक हाथ बेकार हो गया, दूसरा हाथ भी बेकार ही है। ऐसे में उस समय दुकानदार ने मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में दुकानदार ने कोई मदद नहीं की। सोनू खान ने अपनी माँ बानो बेगम के साथ कई बार जन सुनवाई में आवेदन देकर आर्थिक मदद की गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन ने कोई भी मदद नहीं की। परिवार में सोनू खान ही था जो कमाने वाला था। बड़ा भाई रिक्शा चलाता है, उसकी भी कोई खास आमदनी नहीं है, इसलिए सोनू खान का हाथ कटने से परिवार रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गया है। कहीं से मदद की आस नहीं दिखी तो माँ बेटे टूट गए और आत्महत्या का मन बना लिया। सुबह रेल की पटरी पर ट्रेन से कटकर जान देने पहुंच गए। लोगों ने ट्रेन आती देखी, उधर पटरी पर माँ बेटे को खड़ा देखा तो दौड़कर कुछ लोगों ने उनको हटाया। वह हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाया, तब कहीं जाकर उनकी समझ में आया। लोग उनको घर तक छोड़कर आए। क्यों आए थे सर? हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं 5-6 साल से। हम मजदूरी वाले के यहाँ पे काम करते थे शोरूम पे, उनके यहाँ साफ सफाई का। एक दिन उन्होंने कहा कि बेटा हमारे इन आदमियों के साथ चले जाओ आप होल्डिंग लगाने के लिए, हम आपको 200-300 रुपये दे देंगे आपकी मजदूरी के। तो हम उनके साथ में चले गए और हमारे साथ भी घटना हुई। आपको सरकारी सहायता नहीं मिली या कुछ नहीं मिला हमको? तो कहाँ कहाँ आप लोग गए कलेक्टर वगैरह से मिले क्या? कलेक्टर साहब के पास हमने कई बार आवेदन दिए, 181 नंबर पे भी शिकायत की हमने। उन्होंने ये बोला कि आपके यहाँ पे मंगलवार को जन सुनवाई लगती है, वहाँ पे जाओ आप, हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। तो जन सुनवाई में भी गए आप? जन सुनवाई में गए, हमने आवेदन दिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो घर में कमाने वाला कोई और है? घर में कमाने वाला एक भाई है, वो रिक्शा चलाता है, वही हमारा माँ का पेड़ पालन करता है। वॉलीबॉल खेलने जा रहे युवक को रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया, मौके पर ही खिलाड़ी की मौत हो गई। अम्बाह में आक्रोशित लोगों ने पहले मौके पर जाम लगाया, उसके बाद मुरैना तिराहे पर जाम लगा दिया। करीब 1.5 घंटे बाद काफी समझाइश के बाद जाम खुल सका। आक्रोशित लोगों ने रेत माफिया से पुलिस के मिले होने के आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार सेवा पुत्र चतुर सिंह चौहान निवासी आदे का पूरा वॉलीबॉल का खिलाड़ी था। महासुक्खापुरा में स्थानीय स्तर पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था, उसमें शामिल होने बाइक क्रमांक MP06ML8451 से जा रहा था। रविवार 24 दिसंबर की सुबह 9 बजे ककरारी महासुक्खापुरा गुफा के पास तेज रफ्तार रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चालक फरार हो गया। कुछ देर बाद ही वहाँ भीड़ इकट्ठित हुई, आक्रोशित लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। सूचना मिलने पर TI अम्बा जितेंद्र नगाइच पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। लोगों को समझाया, लेकिन उनकी नाराजगी पुलिस से भी थी कि पुलिस रेत माफिया से मिली हुई है। लोग नहीं माने तो TI वहां से लौट गए। लोगों ने वहां से सबको उठाकर मुरैना तिराया अम्बा में रख लिया, यहाँ जाम कर दिया। करीब 1.5 घंटे तक जाम लगा रहा। आंदोलनकारी किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। उसी समय पूर्व विधायक सुमावली गजराज सिंह वहां से निकल रहे थे। पूर्व विधायक व उनके साथी उदयवीर सिंह और स्थानीय स्तर से गणेश सिंह तोमर, एडवोकेट जितेंद्र तोमर, मंडी उपाध्यक्ष ने लोगों को समझाया तो वे मान गए, तब कहीं जाकर जाम खुल सका।
ये घटना कब की है? ये घटना कितनी 9 बजे की है? हाँ 9 बजे की। 9 बजे घटना, ये घटना कैसे घटी? और ये तो छोटे छोटे बच्चे ने पता पर जहाँ मरोड़ो पाओ। बच्चे क्या बता रहे थे? बच्चे ये बता रहे कि लाल ट्रैक्टर हुआ महिंद्रा। हाँ लाल ट्रैक्टर हो महिंद्रा रेत को भरो। अच्छा रेत का भरा ट्रैक्टर था क्या? रेत के भरे ट्रैक्टर पे पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती है यहाँ पे? हाँ नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, खुला चला रहे हैं ट्रैक्टर। कोई कार्रवाई नहीं चल रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अच्छा तो रेत के भरे ट्रैक्टर में कौन कौन कोई बैठा था ट्रैक्टर? ये आपने हमने देखा नहीं है साहब। अच्छा जिन बच्चों ने देखा वो बच्चे कहाँ? बच्चों ने देखा है, बच्चों ने तो लात डरी मिली है यहाँ, छोटे छोटे बच्चे आए यहाँ स्कूलों में जा रहे हैं। हाँ स्कूलों को जा रहे हैं। ट्रैक्टर का नंबर वगैरह कुछ मालूम पड़ा? ट्रैक्टर के नंबर को ना पता, कुछ नहीं पता है। कोई गया हुआ है ते आप और कुछ बताना चाहते हो इसके बारे में? आप क्या चाहते हो इस घटना के बारे में प्रशासन की तरफ से? हम ये चाहते है कि इसकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा अच्छा जटिल से जटिल कार्रवाई की जाए। यहाँ पे पुलिस बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं करती, आए दिन हर रोज ये घटनाएं होती है, पुलिस प्रशासन सब घूस खाता है। यहाँ पे भरे हुए रेत के सारे ट्रैक्टर चलते हैं, कोई किसी पे कार्रवाई नहीं करता है, सब घूस दे करके काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये कार्रवाई बिल्कुल बंद होनी चाहिए, घूस बंद होनी चाहिए और रेत के ट्रैक्टर बिल्कुल बंद होने चाहिए, वरना इसकी जवाबदारी पूरी प्रशासन की रहेगी। जो भी यहाँ पे अंजाम होगा, जो भी घटनाएं होंगी, सारी जवाबदारी प्रशासन की होगी। क्या रेत का ट्रैक्टर आज पहली बार निकला? आज पहली बार नहीं, आए दिन पर डे निकलते हैं, दिन में 100 बार ट्रैक्टर निकलते हैं, कोई पेट्रोलिंग करते हैं, सारे पुलिस स्टेशन में सब घूस खाते हैं यहाँ पे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लुटेरों की गैंग के टारगेट पर थे बड़े व्यापारी, वारदात से पहले 6 पकड़े। अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास के द्विवार्षिक चुनाव संपन्न। पहले दिन राजधानी आई 6 मिनट लेट, केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। दिल को छू गया बंदूक की नाल से निकला संगीत। ट्रेन से कटकर जान देने पहुंचे माँ बेटे को लोगों ने बचाया। इस बुलेटिन में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार।